कि वो मोदी का करिश्मा खत्म, अपनी सीट जीतने में पसीना बहाना पड़ गया। ये कि मिर्जापुर की अनुपुरिया पटेल मोदी की कृपा से जीती है कि मोदी अनुपुरिया की कृपा से जीते हैं, ये दोनों एक दूसरे की कृपा से जीत लिए। इसीलिए मैंने कहा कि इन दोनों की कृपा के ऊपर भी एक बड़ी कृपा थी। तो ऐसी खबर नहीं है, हमें जो खबर है वो ये है कि योगी जी ने उनसे कहा जिताओ, जिताना है। आप जिसकी समझ रहे हैं, हम बृजेश सिंह की बात कर रहे हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तमाम वो अदृश्य शक्तियां मंच पर आकर के वोट मांग रहे हैं, उन्होंने सब इस्तेमाल कर दिया अपना, साम दाम दंड भेद और सत्ता की सारी मशीनरी इस्तेमाल की। 1400 लोगों को लाल कार्ड गाजीपुर में दिया गया। आप ही असली गुरु घंटाल है गाजीपुर के। आपने अपने साथियों को सिखा पढ़ा के भेज दिया, मुझसे पूछ ले गए, उन्होंने कुछ सवाल किया, मैंने भी जवाब दिया, मैंने तथ्यों पर आधारित अपना जवाब दिया है। अब उसको आप तोड़ के मरोड़ के घुमा के पब्लिक को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद भी समझ रहे हैं, हमसे भी एक्सप्लेन कॉल कर रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या गुनाह हो गया। मैंने सिर्फ यही तो कहा, मोदी का करिश्मा फेल हो गया। मोदी का करिश्मा फेल साबित है जब आप कहते हो कि मोदी बनारस में लड़ते हैं तो उनका उनकी लहर पूरे पूर्वांचल को हिला देती है, बिहार से लेकर बंगाल तक पहुंच जाती है। मैंने यही तो सवाल खड़ा किया कि वो मोदी का करिश्मा खत्म, अपनी सीट जीतने में पसीना बहाना पड़ गया, 10 लाख का सपना था 1.5 लाख में सिमट जाना पड़ा। बगल की सीट सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज की हार गए, चंदौली की हार गए, जौनपुर मछली शहर हार गए, गाजीपुर हार गए। दायरा मत बढ़ाइए, दायरा बढ़ाइएगा तो लालगंज हार गए, आजमगढ़ हार गए, घोसी हार गए, सलेमपुर हार गए, बलिया हार गए, गाजीपुर सफाया हो गया। अब मिर्जापुर को आप ये बताइए कि मिर्जापुर की अनुपुरिया पटेल मोदी की कृपा से जीती है कि मोदी अनुपुरिया की कृपा से जीते हैं, ये दोनों एक दूसरे की कृपा से जीत लिए। इसीलिए मैंने कहा कि इन दोनों की कृपा के ऊपर भी एक बड़ी कृपा थी, वो थी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की कृपा। उसने बनारस में अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग किया है। अब हम सवाल करेंगे तो आप भी डर जाएंगे। मोदी जीत नहीं पाते क्योंकि बहुत सी ऐसी शक्तियां थी जिनका राजनीति में और वहां की धरती पर कुछ वर्चस्व है। कितने हैं? कई हजार प्रधान हैं बनारस में, और उन प्रधानों का, उन क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का, उन जिला पंचायत के सदस्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? वो करता है जिसने मोदी की सीट पर मोदी की पार्टी के कैंडिडेट को हराया है। वो हराया चिल्लाता रह गया हारने वाला, अरे मेरे साथ बाहुबल धनबल, हाय हाय हाय, लेकिन वो हार गया बेचारा। और जो जीतने वाला है वो मैदान में आ गया मंच पर मोदी को जिताने के लिए। आप कृपा करके बता दो, क्या मोदी जी ने उससे कहा था मेरे लिए वोट मांग दो? हमें तो ऐसी खबर नहीं है, हमें जो खबर है वो ये है कि योगी जी ने उनसे कहा जिताओ, जिताना है। आप जिसकी समझ रहे हैं, हम बृजेश सिंह की बात कर रहे हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तमाम वो अदृश्य शक्तियां मंच पर आकर के वोट मांग रहे हैं। मोदी का वोट बृजेश को मांगना पड़ा ना, अब कह दीजिए कि मोदी वो योगी की वजह से नहीं मांगा था, वो मोदी जी ने खुद ही उनसे रिक्वेस्ट कर लिया था कि हमारे लिए वोट मांग दो, हम मान लेंगे आपकी बात। वोट मांगा, जिला अध्यक्ष जिले का बनारस का उनके मंच पे था, वोट मांगा, किसके कहने से मांगा? बीजेपी का मेंबर नहीं, बीजेपी के अगेंस्ट चुनाव जीता है, वोट मांगा। ऐसे तमाम लोग जब सक्रिय हुए, किसकी वजह सक्रिय हुए? अगर योगी की शक्ति न लगी होती तो क्या फर्रुखाबाद भाजपा जीत पाती? अगर योगी की शक्ति पूरा, जो मैंने कहा खूंटा गाड़ के, वो शक्ति का प्रयोग न हुआ था तो अलीगढ़ का रिजल्ट ये आता, फतेहपुर का ये रिजल्ट आता? उन्होंने सब इस्तेमाल कर दिया अपना, साम दाम दंड भेद और सत्ता की सारी मशीनरी इस्तेमाल की। 1400 लोगों को लाल कार्ड गाजीपुर में दिया गया। ताली बजाते वक्त लोग अगल बगल देखते थे कि फोटो तो नहीं खींची जा रही। सभाओं में मेरी 500 के लगभग सभाएं किया है, छोटी मोटी,
उन सभाओं में देखा है भय और आतंक। जो कहा जाता था कि मोदी के जलवे पे सब सीट निकल जाएगी, मोदी गाजीपुर नहीं आए थे बताइए, मोदी गाजीपुर में भी आए, मोदी घोसी नहीं गए थे, मऊ भी गए थे, मोदी बलिया नहीं गए थे, अमित शाह रोड शो नहीं किए, परिणाम नहीं बदल सके। योगी का पोस्टर हटाया गया गाजीपुर में, हटाया गया कि नहीं हटाया गया? अगर योगी पोस्टर से गायब हुआ, अब कोई उसका चमत्कार हुआ, तो आपकी निगाहों ने देखा आप मत कहिए, हमारी निगाहों ने देखा तो मैं कहूंगा। योगी के लिए हमदर्दी अंदर सब कुछ, अब हमदर्दी कैसे हो सकती है? परेशान लोग यही हैं कि क्या योगी से दोस्ती हो गई, या दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया जा रहा, या इसके पीछे कुछ भी नहीं, सिर्फ ये कहा जा रहा मोदी का करिश्मा फेल और योगी का वो सारे साम दाम दंड भेद का और सत्ता का और अपनी मेहनत और परिश्रम और ललकार का। गोरखपुर जीत लिया ना, हमारी कैंडिडेट बीमार थी, उसको हार्ट अटैक आ गया, वो हॉस्पिटलाइज है, डिस्चार्ज होके बड़ी मुश्किल से वो आई है वोट मांगने, इसका लाभ ले लिया, जीत गए गोरखपुर। आप देवरिया जीत लिया ना, देवरिया बनारस के बगल में है, बोलिए तो अपने अगल बगल की सीटों को निकाल लेने में वो सफल है। अब मोदी जी अपने अगल बगल की सीटों में निकले हैं, लेकिन मैं जानता हूं मोदी जी ने नहीं कहा था बृजेश सिंह से कि हमारी नैया पार कर लो, ये योगी जी ने कहा था कि किसी भी तरह से मोदी जी की नैया पार होनी चाहिए, ना कट जाएगी, तब मोदी जीते। आप समझ जाइए, आप समझ जाइए, अब आप समझिए, आप चुराने की बात समझिए या जो कुछ करने का, अगर कोई सच बात कह दी जाए, अच्छा हम चलिए आपकी बात मान लेते हैं, अगर हम ये कह दें कि नहीं मोदी के करिश्मे से जीत हुई है, तो 400 का नारा मोदी ने दिया था सदन में, लोकसभा में मौजूद था, पीछे घूम के कहे अब की बार तो समझ भी नहीं किए सांसद कि क्या कह रहे हैं, चुप था उनका।